हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन उपरे, जहाँ कि आपन मानकर समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड टीचिंग एग्जाम पाई इम्पोर्टेंट रहिबो। खास करी बीएड एंट्रेंस आपन मानकर जुलाई मास रे हेबाकू जाउछि, तो आपन मानकु निहत भाबे करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट रहिबो, काहेकि आपन करंट अफेयर्स निहत भाबे 3-4 मार्क आपन को करंट अफेयर्स आसिबो। तो गोटे मार्क आपन माने मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो, काहेकि आपन मानकर गोटे मार्क मध्ये आपन माने डिस्क्वालीफाई हेइ पारिबे। तो जो माने भी इंटरेस्टेड अच्छा निहत करंट अफेयर्स वीडियो आपन देखंतु, जेकोसी चैनल हो करंट अफेयर्स मध्ये फोकस करंतु, काहेकि गोटे गोटे मार्क आपन माने मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहुछि। तो देखंतु करंट अफेयर्स सेक्शन आमर समस्त एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। तो एथरे आमे डिस्कशन करबा टोटल 35 क्वेश्चन, आपन माने आउट ऑफ 35 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहत भाबे जणाइ पारिबे। तो स्टार्ट करिया पूर्व आपन गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहि रखुछि, जो माने भी एही वर्ष जेकोनसी टीचिंग एग्जाम को क्राक करबा को चाहुचंती, ताहाला आपन माने सार ओडिया ट्यूशन बैच जॉइन करके आपन माने क्राक करिपारिबे। ओनली 499 रुपीज रे आपन माने क्राक करिपारिबे जेकोनसी टीचिंग एग्जाम, आपन मानकर ओएसटीटी सीएचटी ओटीटी जेटी जहाँ भी ओएवीएस मध्ये आपन मानकर रही छे। तो देखंतु जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती, एही दीटा व्हाट्सएप नंबर को कांटेक्ट करके आपन माने जॉइन करिपारिबे। ता सहित आपमन पई रिसेंटली आमर सार उड़िया ट्यूशन बैच रो गोटे आप्लिकेशन मध्ये लॉन्च हेची, सेथरि मध्ये आपमन मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह दे पारिबे। तो ओनली 499 रुपीज सार उड़िया ट्यूशन बैच जॉइन करंतु एवं जे कोनसी टीचिंग एग्जाम को आराम से क्राक करंतु। तो जोगाजोग पई ए दिटा कांटेक्ट नंबर रे जॉइन करि पारिबे जोगाजोग करिकि। स्टार्ट करिबा आजर क्लास, एथरे 35 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, 35 रु केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहत भाबे जणाइबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि, हु हैज ओन द फर्स्ट प्राइज फॉर द अमेज़न संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। तो 2022 रे अमेज़न संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज प्राइज आरंभ करछि, तो फर्स्ट प्राइज विजेता किए से पचारिछि? रजनी चौधरी, रतन टाटा, गौतम अडानी, सुभाष ओला। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, सुभाष ओला। ऑप्शन नंबर डी जो मैंने टिक करछंती एक मार्क एड करिने वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु विल रिमेन्स एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर ए रिकॉर्ड 20th ईयर। तो लगातार आमर 20 वर्ष है किए यूनिसेफ रो गुडविल एम्बेसडर रही आसी? डेनियल ब्रुहल, सचिन तेंदुलकर, नाटालिया बोडियानोवा, आयुष्मान खुराना। तो रिसेंटली अभी 20 वर्ष होगा लगातार यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर रही आसी सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन मेन्स सिंगल फाइनल एट रोनाल्ड गारोस 2022। तो रोनाल्ड गारोस 2022 रो मेन्स सिंगल फाइनल रो विजेता किए? तो ये करेक्ट आंसर होची आमर 4 ऑप्शन रही, राफेल नाडाल, अलेक्जेंडर जेवरेव, कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविक। एथरे विनर होचंती किए ना राफेल नाडाल। राफेल नाडाल सहित तो कैस्पर रूड को फाइनल रे चलथिला, फाइनल रे कैस्पर रूड पराजित होती, एथरे विनर बनचंती राफेल नाडाल। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन 31 मे 2022। तो 31 मे 2022 रे आमर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी रो डीजी नियुक्ति करा जायछि, तो किए रिसेंटली नियुक्ति होती? तो कुलदीप सिंह, संदीप बक्सी, विवेक राम चौधरी ना जुल्फिकर हासन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, जुल्फिकर हासन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MNREGA लोकपाल। तो मनरेगार लोकपाल वर्तमान किए नियुक्ति होती? तो मानी मेखलाई, एनजे ओझा, एन सुब्रमण्यम, गोपाल विठल। तो मनरेगा लोकपाल वर्तमान नियुक्त होती एनजे ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा। तो रिसेंटली इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म एजेंडा को किए लॉन्च करले? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। तो रिसेंटली इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा को लॉन्च करती निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन रो अंडर सेक्रेटरी जनरल माने सेक्रेटरी जनरल रो डेप्युटी बा डेप्युटी सेक्रेटरी जनरल रूपे किए नियुक्ति पाई? दीपिका रथी, रबाब फतिमा, किरण खेर, पद्मजा चुंदुरु।
तो रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल को अंडर माने डेप्युटी सेक्रेटरी रूपे निजुक्त होती किए राबाब फतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कॉन्फेड विद द सीआईआई क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। तो रिसेंटली सीआईआई क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 रिसेंटली दिया जाए तो कहा किए से सम्मानित होती। तो चारिटा ऑप्शन रही अशोक सुता, नारायण प्रधान, विनोद शर्मा, रामदरस मिश्रा। तो रिसेंटली सीआईआई क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 रो विनर होती अशोक सुता। अशोक सुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैन कोड। तो फैन कोड रो ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किए बनी रवि शास्त्री, राहुल द्राविड़, आजारुद्दीन ना विराट कोहली। तो फैन कोड रो नुआ ब्रांड एम्बेसडर बनी रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नारी को नमन स्कीम। तो रिसेंटली नारी को नमन स्कीम लॉन्च करी आमर हिमाचल प्रदेश सरकार, जहाद्वारा बस रे सरकारी बस रे महिला मानक हाफ टिकट लगे मनेकर 100 टका लगुच गोटे जगह को मनेकर आमर ब्रह्मपुर रु भुवनेश्वर जगह 100 लगुच तो महिला मानक 50 टका लगे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार लॉन्च करछि नारी को नमन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ई लर्निंग पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव को द्वारा रिसेंटली पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा को ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च करा जायछि, डाकवीर, डाक शिक्षा, डाक विद्या ना डाक कर्मयोगी। तो करेक्ट आंसर होछि डाक कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन द सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम मे तो यहाँ हूँ। तो ये आमर ये यहाँ काटिद भूल कर दी। तो ये पचार 2021 सरस्वती सम्मान क्या दि जा लिखी थे मे तो यहाँ हूँ ये पुस्तक 2021 सरस्वती सम्मान क्या पुरस्कृत कर पद्म सचदेव, रामदरस मिश्रा, शरण कुमार लिंबाले, वासुदेव मोही। तो ये करेक्ट आंसर होची रामदरस मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। मन रखु किए पाई सरस सम्मान कोई पुस्तक पचार तो कोई पुस्तक तो मे तू मे तो यहाँ हूँ आए पाई रामदरस मिश्रा, यहाँ लाटेस्ट करेन्ट अफेयर्स रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द पर्पल कैप इन आईपीएल 2022। आमर जो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 चलता से किए पर्पल कैप विनर पचार तो कगिश रबाड़ा, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। तो 2022 आईपीएल पर्पल कैप विनर होती युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फ्रांचाइज ओन टाटा आईपीएल 2022। तो टाटा आईपीएल, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2022 आमर कौ फ्रांचाइज जीति से पचारुछि, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो करेक्ट आंसर होछि गुजरात टाइटन्स विन करछि, जार कैप्टन थिले आमर हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिल्म हैज ओन जूरी प्राइज एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2022। तो कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 जूरी प्राइज रो विजेता किए, क्लोज, स्टार्स एट नून, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, जॉय ऑफ लैंड। तो ये करेक्ट आंसर होची जॉय ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सीनियर आईएएस ऑफिसर हैज अज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो वर्तमान भारत नुआ विदेश सचिव किए निजुक्ति होती। तो चारिटा ऑप्शन रही तो वर्तमान नुआ विदेश सचिव आम निजुक्ति होती किए ना विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द मंडाटे डॉक्यूमेंट फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आमर जो नेशनल करिकुलम द मंडाटे मंडाटे डॉक्यूमेंट फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किए लॉन्च करी एटा किए लॉन्च करी मंडाटे डॉक्यूमेंट किए लॉन्च करी से पचार। तो ये आम करेक्ट आंसर चार ऑप्शन भितर कौन हम ना आम करेक्ट आंसर हो कौन ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहला मैंने आम एजुकेशन सहित रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पिक्स एबव 8000 मीटर। तो 8000 मीटर रु अधिका उच्चता विशिष्ट पर्वत 5टी पर्वत श्रृंग को आरोहण करथिबा बा पहुँची पार्थिबा प्रथम भारतीय महिला किए। चारिटा ऑप्शन रही है आप देखिपुट अरुणिमा सिन्हा, बचेन्द्री पाल, प्रियंका मोहिते, शिवांगी पाठक। तो ये करेक्ट आंसर होची प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। हु हैज ओन द 2022 वर्ल्ड स्नूकर प्राइज बा स्नूकर चंपियनशिप। तो 2022 वर्ल्ड स्नूकर चंपियनशिप विजेता किए,
ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ପଙ୍କଜ ଆଡ଼ଭାନୀ, ରନି ଓସଲିବାନ, ଆଦିତ୍ୟ ମେହେତା, ମାର୍କ ସେଲ୍ବି। ତ 2022 ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ନୁକର ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ରନି ଓସଲିବାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଟୁକ୍ ଚାର୍ଜ ଏଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଡିଜି ରୂପେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପଠାନିଆ, ସଞ୍ଜୀବ କପୁର, ରାକେଶ କୁମାର ସିଂ, ବିବେକ ରାମ ଚୌଧୁରୀ। ତ 2022 ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଡିଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ କପୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିସେଣ୍ଟଲି ହୁ ହେଜ୍ ଓନ୍ ହ୍ୱିଟ୍ଲି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ 2022। 2022ର ହ୍ୱିଟ୍ଲି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ର ବିଜେତା କିଏ? ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ୱାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଫୋମ, ହରିଶ ମେହେତା, ଚାରୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରା। ତ 2022 ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼, ସରି ହ୍ୱିଟ୍ଲି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଟ୍ଲି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2022ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଚାରୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରା, ଚାରୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜର ରୂପେ, ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ତରୁଣ କପୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍? ଆମର CBSE ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଧି ଛିବର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼? ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ପାରା ଆଥଲେଟ୍ କିଏ ଯିଏକି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ବା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ, ଆୱାର୍ଡ଼ି କିଏ? ତ ଏଇଠି ଆମର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଝରଝରିଆ, ପ୍ରଥମ ପାରା ଆଥଲିଟ୍ ଯିଏକି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ନେମ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ନାଟୋ ହୁଜ୍ ଟେନର୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଟିଲ୍ 2023। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ନାଟୋ, ଆମର ରହିଛି ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଯାଇଛି 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ନାଟୋ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ତ ନାଟୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନାଟୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜେନ୍ସ ଷ୍ଟୋଲ୍ଟେନବର୍ଗ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 2022ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଜେନ୍ସ ଷ୍ଟୋଲ୍ଟେନବର୍ଗ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ନେମ୍ଡ ଏଜ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ 2020-21? ତ 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ କାହାକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ତ ଏଇଠି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସନ୍ଦୀପ ବକ୍ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, IRDAI, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ? ତ ଏଇଠି ଆମର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଏଇଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ IRDAI ର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବନିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2021? ତ 2021ର ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଜେତା କିଏ, ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ ବିଜେତା କିଏ? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, କ୍ୟାରୋଲିନା ଭିଲେସ୍କା, ଶ୍ରୀନୀ ସାଇନି, ହର୍ନା ସନ୍ଧୁ, ଆନ୍ନା ଲିଚ୍। ତ 2021ର ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରୋଲିନା ଭିଲେସ୍କା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେନ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏସିଆସ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଫେୟାର ଆହାର 2022? ରିସେଣ୍ଟଲି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେୟାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବନିଛି, ଆହାର 2022? ଏଇଟା ଆମର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଗାନ୍ଧୀନଗର ନା ନୈନିତାଲ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ରୂପେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି?
विक्रम शर्मा, अजय कुमार सूट, प्रमोद रावत, किरण देवी। तो टू रिसेंटली आम इंडिया सरकार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रूप निजुक्ति अजय कुमार सूट को, अजय कुमार सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन फॉर द इनॉगरल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। रिसेंटली 2022 लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट करा जाई छी। आ प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड विजेता किए, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो फास्ट प्रथम थर पाई दि जाऊँ 2022 लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। एथिरो प्रथम फास्ट इनॉगरल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड विनर होती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो, समस्त क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन रही। हु लॉन्च्ड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। रिसेंटली वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एटा को किए लॉन्च करी, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। तो आम करेक्ट आंसर होची साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे रिसेंटली लॉन्च करी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, नेम द इंडियन सिटीज विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसेंटली वर्ल्ड ट्री सिटी 2021 रो को दुटा शहर को नामित कर चिन्हट कर। तो ये आम चार ऑप्शन रही है, ये सटिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, मुंबई एंड हैदराबाद। मुंबई एंड हैदराबाद ए दुटा सिटी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रूपे रिकॉग्नाइज करी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI रो नुआ डीजी किए नियुक्ति होती। तो ये आम चार ऑप्शन मध्य सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर एस राजू। तो ऑप्शन नंबर डी होची आम करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज टोटल 35 क्वेश्चन, आप आउट ऑफ 35 के मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहत भाव जनइबे। जदि भिडियो भल लगता है तो निहत गोटे लाइक करें, अधिकारू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी निहत भाव सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।